घमंडिया गठबंधन और इस गठबंधन के नेता और इससे पोषित समर्थित लोग कभी भारत का हित नहीं सोच सकते। भारत कैसे कमजोर हो, कैसे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाए और कैसे भारत विरोधी एजेंडे को कैसे हवा खाद पानी दिया जाए, ये सब चिंता इससे जुड़े लोग करते हैं और इसमें दिन रात लगे रहते हैं। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ अ उम्बिलिकल कॉर्ड और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। एक एजेंडा था एंटी इंडिया, ब्रेक इंडिया कैंपेन ये लोग चलाते थे और इनके यहां सारा सामान चीनी है और चीन को सम्मान है। और जब मैं न्यूज क्लिक की बात करता हूं तो चीन के द्वारा संपोषित ग्लोबल मीडिया संस्थान जिसके द्वारा ये फंडिंग हुई है, न्यूज क्लिक की अगर मैं बात करूं इसकी फंडिंग की भी, तो जब भारत में इसके खिलाफ जो इसके रेड हुई और वो रेड 5 दिन तक चली, उसमें कहां कहां से पैसा लिया गया, कितने पैसे आए, वो सब जानकारियां भी मैं आपको देने वाला हूं कि क्या क्या उस समय हुआ। उस समय भी प्रश्न उठे थे कि आखिरकार ये फंडिंग एकदम से कैसे और कहां से आई। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की और फंडिंग उसको कहां से आई नेविल रॉय सिंघम को, चाइना पीछे से करता है और इसमें नेविल रॉय का जो सीधा संपर्क है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक प्रोपेगेंडा आर्म के साथ है जो चाइनीज मीडिया कंपनी माकू ग्रुप के साथ, ऐसा किसने कहा, जिसके ऊपर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें जिन अखबारों के बारे में करते हैं उन्होंने ही पुष्टि की है, पुष्टि उस बात की कि जो भारत ने 2 साल पहले कह दिया था। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। उस समय उनके किन किन लोगों ने ट्वीट किए, ये कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट है, 1, 2, 3 ये खुलकर उनके साथ थे, ये 4 और फिर कांग्रेस आई तो कम्युनिस्ट पार्टी तो जब चाइना का समर्थन करना और उनके लोगों का एजेंडा तो ये एक और साथ में है, फिर बाकी तृणमूल कांग्रेस कैसे पीछे रहती वो भी साथ में आ गई, बड़े बड़े पत्रकारों से लेके बाकी सबके नाम। और ये कहते थे कि भारत सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मैं इस पे भी आऊंगा। मित्रों, ये जो इसकी फंडिंग है उसके साथ साथ मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेविल रॉय सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे, जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए
ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से, और एक झूठा प्रोपेगेंडा, ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। अब ये जो न्यूज क्लिक को जो पैसा आया, ये रूट भी कहां कहां से हुआ। ये गौतम नवलखा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये भी एक आरोपी है। किस केस में? एल्गार परिषद के मॉइस्ट लिंक में जो भीमा कोरेगांव केस है, उसमें अभी तक जेल में ये है, हाउस अंडर हाउस अरेस्ट, यूएपीए लगा हुआ है इनके ऊपर। और यही नहीं, न्यूज क्लिक को शुरू होने के कुछ महीनों के बाद ही करोड़ों रुपए दिए गए, और इन करोड़ों रुपए जब मिले तो उसमें से 1.5 करोड़ रुपया एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया। अरे 1.5 करोड़ रुपए एक इलेक्ट्रीशियन को दे दिया, तब तो कांग्रेस और बाकी दलों ने, राहुल गांधी जी ने, किसी ने सवाल खड़े नहीं किए। और यही नहीं, ये लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर बढ़ चढ़कर दामों में खरीदा गया, आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम उस पर मिला। लॉस मेकिंग कंपनी के शेयरों पर जब आर्टिफिशियली एनहांस्ड प्रीमियम मिलता है, बढ़ा चढ़कर पैसा मिलता है, उस पर तो कोई सवाल खड़ा नहीं करते, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियों के शेयरों पर ये सवाल खड़ा करते हैं। जब भारत इसी कंपनी के ऊपर कार्रवाई करता है, तब तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ये चीनी गंध की बदबू जब दुनिया भर में फैलती है और जो अमेरिका का एक अखबार इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट निकालता है, तो दिखाता है कि फॉरेन मीडिया ने कैसे एक्सपोज किया है न्यूज क्लिक को, और चाइना के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ भी इसमें कैसे उसका सहयोग समर्थन करने में है। और ये फॉरेन प्रेस के प्रोपेगेंडा और एजेंडा पर हम भारत को टुकड़े टुकड़े नहीं होने देंगे, चाहे कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाकर खड़ी हो जाए। राहुल गांधी जी बीच रात को जाकर उनके साथ खड़े हो गए, बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को अपने आप में शामिल भी करा लिया, और इनके समय तो सीबीआई और ईडी पिंजरे में बंद तोता होती थी, लेकिन आज अगर वो ईडी कार्रवाई न्यूज क्लिक जैसी फर्जी संस्थाओं के खिलाफ करती है तो उसके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये गलत सूचना के खिलाफ, मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ युद्ध है, और ये युद्ध जारी रहना चाहिए। भारत सरकार की एजेंसियों ने अगर कदम उठाए हैं तो भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले, जो चाइना का एजेंडा लेकर दुनिया भर में नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने भी बात कही है, तो उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया एजेंडा नहीं चलेगा। अडवाणी जी ने एक बार बहुत पहले पार्लियामेंट में कहा था कि जब देश के खिलाफ कोई खड़ा होता है तो उसमें हम सबको इकट्ठे होकर आना चाहिए, और उन्होंने तो यह भी कहा था कि किस तरह से कौरव और पांडव भी एकजुट हो गए थे जब तीसरा कोई सामने आकर खड़ा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य देश का यह है कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों के साथ हाथ मिलाने का प्रयास किया, और यही नहीं, जब इनको निमंत्रण मिला सोनिया जी को, राहुल जी को, कब मिला? जब ओलंपिक्स खेल हुए, तो कांग्रेस पार्टी को भी, गांधी परिवार को भी वहां पर न्योता दिया गया, और ये लोग उस समय चाइना भी गए, खेल देखने गए थे, खेल करके आ गए, वहां पर एक एग्रीमेंट साइन करके आ गए, जहां पर हाई लेवल एक्सचेंज होना था दो पार्टियों के बीच में। अब पता नहीं किस तरह का हाई लेवल एक्सचेंज होना था, ये तो 2017 में हमको जुलाई में देखने को मिला, जब डोकलाम में अतिक्रमण करने का प्रयास उस समय चीन की सेना ने किया, तो हमारे सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब उनको दिया, लेकिन राहुल गांधी जी उस समय चीन के अधिकारियों के साथ, डिप्लोमेट के साथ हाथ भी मिला रहे थे, खाना भी खा रहे थे, ना जाने क्या रणनीति और क्या क्या एक्सचेंज कर रहे थे। ये इससे पता चलता है कि जो 2008 में इनको एग्रीमेंट हो गया था, उस समय एक पेमेंट भी की गई थी। पेमेंट किसको की गई? पेमेंट की गई थी राजीव गांधी फाउंडेशन को,
और ये राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पेमेंट की गई 2005-07 के बीच में, ये किस लिए की गई? और ये उस समय की गई जब सोनिया गांधी जी यूपीए की, और वही यूपीए सरकार जिसके ऊपर लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी है, वो नैरेटिव के लड़ने के लिए क्या इनको चाइना के लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा या चाइना के समर्थक ऐसी एजेंसियों का सहयोग लेना पड़ेगा, जो एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाते हैं उनका सहयोग लेना पड़ेगा? और ये नेशनल एनएसी की जो चेयरपर्सन थी, जो यूपीए में कहूंगा उस समय सोनिया गांधी जी, तो क्या ये पैसा और ये पार्टी उस समय से ही इस काम में लगी है? और ये एग्रीमेंट भी साइन किसी और ने नहीं किया, चाइना के वाइस प्रेसिडेंट उस समय के स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर सीपीसी पॉलिट ब्यूरो के शी जिनपिंग और उनके कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राहुल गांधी जी के बीच में हुआ? आखिरकार इस एग्रीमेंट में क्या लिखा है? ये 2017 में भी देखने को मिला कि राहुल गांधी जी देश के साथ तो खड़े नहीं हुए, लेकिन उस समय उनके अधिकारियों के साथ रहे। इसका अगला उदाहरण आपको देखने को मिलता है जब कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल में मार्च 2023 में राहुल गांधी जी ने बड़े बढ़ा चढ़ाकर चाइना की प्रेज भी की, फोर्स ऑफ नेचर कहा, एस्पायरिंग सुपर पावर कहा, भारत की तो बढ़ाई नहीं कर पाए, भारत का अपमान ही करते रहे और डेमोक्रेसी इन इंडिया इज अंडर अटैक कहते रहे, लेकिन चाइना का समर्थन करते रहे। और ये जो हमारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे गुजरने वाली वन बेल्ट वन रोड, इसको लेकर भी, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर उनके जिस तरह से वो गुणगान करते रहे, ये अपने आप में दिखाता है कि ये एक ही गर्भ नाल के तीनों हिस्सा हैं। कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक क्यों ना हो, ये एक बार नहीं कई बार देखने को मिला। और एक और कड़ी इसमें अगले उनके दौरे पर जुड़ जाती है जब इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, जिनके ऊपर आप देखेंगे राहुल गांधी जी के अमेरिका दौरे में साथ साथ रहे, सहयोगी रहे, आयोजन में रहे, और इनके खिलाफ त्रिपुरा सरकार ने मुकदमा भी किया कि जिस तरह से फेक न्यूज फैलाने का काम किया गया। और ये आईएमसी वही है जो न्यूज क्लिक के समर्थन में उस समय भी आए थे। चोर चोर मुसेरे भाई कहां कहां इकट्ठे होते हैं, ये आप सबके सामने नजर आया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हों, प्रेस गिल्ड से हों, या कोई अपने अवार्ड वापसी गैंग हो, ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं समय समय पर एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन को लेकर, उस एजेंडा को लेकर, और न्यूज क्लिक भी उसमें एक कैसी अहम भूमिका निभा रही थी। और ये कांग्रेस बैक्ड या फिर मैं कहूं जो कम्युनिस्ट पार्टी बैक्ड भी, जो पैसे उनको अलग अलग रूट से आए हैं न्यूज क्लिक को या बाकी ऐसी कंपनियों को, जो पेड मीडिया हाउसेज जो झूठा नैरेटिव खड़ा करती हैं और झूठी खबर फैलाने में ये शातिर हैं, ये तो इतने शातिर हैं कि एक टेररिस्ट को भी एक एक्टिविस्ट बना देते हैं, ये टेररिस्ट को भी एक्टिविस्ट बना देते हैं। और ये न्यूज क्लिक जो चलाई जाती किसी और के द्वारा नहीं, पुरकास्था द्वारा चलाई जाती है, जो पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड है, इसको पैसा भी किस किस से प्राप्त हुआ वो अगर आप मनी ट्रेल भी देखेंगे जो सामने नजर आता है, तो स्पष्ट तौर पे दिखता है कि ये जो नेविल रॉय सिंघम है, इन्होंने ही यहां पर 27,51,00,000 रुपया न्यूज क्लिक में दिया, जो आगे जाकर इसमें से गौतम नवलखा को भी 20,53,000 रुपये गए हैं। और एक बप्पादित्य सिन्हा जो आईटी सेल मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, 82,00,000 रुपया उनको भी गया है। तो कम्युनिस्ट भी कैसे कांग्रेस से पीछे रहेंगे, सब ने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया है। तो न्यूज क्लिक के पीछे खेल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी जो हमारे हिंदुस्तान की है, उनका सबका ये खेल इसमें दिखता है कि कैसे भारत विरोधी एजेंडा चलाना है और कैसे एक के बाद दूसरा पैसा इनको दिया गया। और बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट को इसमें से पैसा गया, मैं उसके नाम लेने में नहीं जाऊंगा, वो इतने बड़े भी नहीं जिनको इतना बड़ा बना दिया गया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा ये शुरू तो की गई थी चाइना का नैरेटिव खड़ा करने के लिए दुनिया भर के कॉन्टिनेंट्स में, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इसको साथ में ले लिया
भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए। क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है और कुछ दल इनके समर्थन में न्यूज क्लिक के इतना गिर गए थे कि वो सत्ता पाने के लिए इतना गिर जाएंगे कि न्यूज क्लिक के समर्थन में आके पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई थी, इनके साथी खड़े हो गए थे, एक घमंडिया गठबंधन के लोग इसका एक हिस्सा बने रहे। और केवल यही नहीं, मैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी कैसे पीछे रहते, आखिरकार वो तो चल के ही एनजीओ चलाकर आए थे, वो तो बात करते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली, आज उनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में घिरी हुई है, डूबी हुई है, मंत्री जेल में पड़े हुए हैं। तो क्या श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी, इनके जिस एनजीओ में ये पार्टनर हैं, हिस्सेदार हैं, क्या उनके माध्यम से भी न्यूज क्लिक की कोई फंडिंग हुई है, क्या देश को बताना चाहेंगे? तो चाइना का पैसा भारत विरोध में एक न्यूज क्लिक के माध्यम से लगे और उसमें कांग्रेस से लेकर बाकी दल भी साथ में जुड़ जाएं, तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे ये न्यूज क्लिक कांग्रेस, कम्युनिस्ट चाइना न्यूज क्या कर रहे हैं वो आपको दिख ही रहा है। मैं बात पे आपको अंत में इतना ही कहूंगा कि ये सारे ट्वीट्स जो मैंने आपको दिखाए, आज मेरा उन लोगों से कहना है कि आप जो धुआं ही धुआं है, कुछ ना हुआ है, आपने धुआं तो बहुत फैलाने का काम किया, भारत के खिलाफ एजेंडा फैलाने का काम किया, न्यूज क्लिक के समर्थन में खड़े हुए, विदेशी एजेंसियों, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सत्ता में आने के लिए देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े हुए, आपने एजेंडा भी वहां पे चलाया। लेकिन आज जब एक विदेशी मीडिया हाउस ने उस प्रोपोगेंडा और एजेंडा को पूरी विश्व के सामने खोलकर रखा है, तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप देश को राहुल गांधी जी जवाब दोगे कि ये 2005-07 में जो राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया वो कहां कहां खर्च हुआ, जो हाई लेवल आपने मीटिंगें करनी थी वो क्या चाइना के साथ हुई, क्या न्यूज क्लिक एक उसका हिस्सा है, क्या कांग्रेस चीन न्यूज क्लिक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं? और मेरा सवाल समस्त घमंडिया गठबंधन ये विपक्ष के लोगों से है कि क्या आपने भी समय समय पर इस माध्यम से पैसा जो कहीं ना कहीं से आया, आप लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया है? और ये एंटी इंडिया सिंगम जो नेवल रॉय सिंगम है, वो जो भारत के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं फैक्ट चेकर के नाम पे या चाइनीज चेकर इन मीडिया, मीडिया फ्रीडम के नाम पर, ये भारत में एक प्रोपोगेंडा खड़ा करने के लिए आए हैं। और मैं तो कांग्रेस के बारे में अंत में इतना ही कहूंगा, फ्रॉम 1962 टू 2022-2023 कांग्रेस हैज नॉट चेंज्ड अ बिट, द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्पेस ऑफ इंडिया हैज बीन येट अगेन हैंडेड बाय कांग्रेस टू चाइना ऑन अ प्लेटर। सोरोस से सिंगम, चाइना से कांग्रेस पार्टी तक, ये सब अलायंस पार्टनर दिखते हैं भारत के खिलाफ एंटी इंडिया एजेंडा, ब्रेक इंडिया एजेंडा को लेते हुए। एक समय था महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया चलाया था, ये एंटी इंडिया और ब्रेक इंडिया एजेंडा चला रहे हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? श्रीमान राहुल गांधी जी देश को जवाब दें, देश पूछना चाहता है आखिर आपके हाथ इन सब के साथ कैसे जुड़े हैं और कांग्रेस के हाथ और कहां कहां इन एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। मेरा निवेदन है माननीय राजीव चंद्रशेखर जी से कि आपको संबोधित करें। माननीय राजीव जी, I will be very brief. My friend and colleague Anurag Bhai has laid out in extensive detail the threat represented by misinformation and how some countries are actively fanning misinformation in our country with the help of some news platforms in India and with the help of and to help some political parties in India.
I want to quickly share with you, this is neither a new revelation, nor is it something that is happening for the first time. A couple of years ago, over 1,000 accounts on social media had to be removed when they were identified as ISI, Pakistan's ISI PR linked, who were fanning misinformation and violence in India. Then a few months ago, there were another 1,000 plus accounts that were removed that were being sponsored by and operated by Khalistani elements, again fanning misinformation and violence and lies and hatred against the government of India and our leadership. This new revelation further reinforces the threat that our country, our democratic society, our open media faces when a group of people and vested interests get together, invest in platforms, and these groups operate in remarkable coordination. They cross-post, they share each other's content, they share a remarkably common, consistent goal, lies and hatred about our Honorable Prime Minister, lies and hatred about the government, fanning communal disharmony and incitement. We have seen this in Manipur recently. We have seen this in the farmers' agitation. There is a remarkable convergence of strategy. And they fan a consistent narrative. And ironically, as Anurag Bhai said, there is one political leader who is consistent with this narrative. These narratives that are put out by platforms like NewsClick and other platforms that are operating in concert are echoed almost blandly in a similar fashion by this political leader, Rahul Gandhi, who goes abroad and says exactly the same things. Democracy is under danger. The judiciary is compromised. The EVMs are compromised, which is exactly the narrative that these platforms put out. I don't want to say any more, excepting to say this is neither simple, nor is it some innocent activity. This is a complex conspiracy. This is a network of operators being funded, being fanned by vested interests outside the country, who are opposed to India's rise, opposed to India's confidence in the global community of nations, opposed to our growing economy and growing presence in the global value chains across the board in manufacturing and innovation. Misinformation is a real danger to our democracy. And every time, as again Anurag Bhai said, there is an attempt to rein in misinformation, these platforms jump along with their friends and rally behind this false cover of free speech. The right to free speech as guaranteed in our constitution is certainly not and must not and should not be a cover for misinformation directed at our nation's rise. And therefore, this revelation that a foreign country is actively funding platforms that are launching and have launched and continue to launch vitriol against our government, our country, our society, our religion, our faith, is something that all of us should be very aware of, and we should all get together and have a consensus on how to fight misinformation in the coming years and coming days. Thank you. Sadar Amantrit. Sujit Chakur, Dainik Bhaskar. देखिए, जो दुष्प्रचार या झूठी खबर के खिलाफ मिस इन्फॉर्मेशन जो दुनिया भर के लिए एक बड़ी चुनौती बनी है, और जिसको लेके रिपोर्ट एक विदेशी अखबार ने आप सबके सामने दी,
और जब भारतीय एजेंसियों ने, भारत की एजेंसियों ने उसके ऊपर कार्रवाई की थी, तब तो यहीं के कई पत्रकारों ने, कई मीडिया हाउसेस ने, कई विपक्ष के नेताओं ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। लेकिन एक बात मैं कह दूं कि सच ना तब छिपा था ना आज छिप रहा है। ये एजेंडा जो विदेशी है, ये देश के सामने भी आया है, अब दुनिया के सामने भी आया है। लेकिन एक बात तो खुलकर सामने आ गई कि राहुल गांधी जी की विदेश की या देश की स्क्रिप्ट कहां से लिखकर आती है, ये तो पता चल ही गया होगा। गर्भनाल का हिस्सा कौन कौन है। जहां तक कार्रवाई की बात है, वो कार्रवाई अलग अलग जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी कार्रवाई कर भी रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि घमंडिया गठबंधन के नेता इस पर अपना स्पष्टीकरण अब देंगे, क्या जवाब देंगे? जो कल इनके समर्थन में आकर खड़े हुए थे, आज उनके ऊपर एक गंभीर आरोप है कि देश विरोधी ताकतों के साथ ये खड़े हैं, सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार खड़े हैं, और ये पैसे के द्वारा चलाया गया फेक नैरेटिव, फेक न्यूज एक टेररिस्ट को भी एक एक्टिविस्ट बना देता है, तो क्या उसका हिस्सा ये भी बनते चले जा रहे हैं? पूर्णिमा जोशी, देखिए वो जो एजेंसीज है वो अपनी कार्रवाई कर रही है, समय समय पर जब वो कार्रवाई पूरी होती है उसके बाद वो अगले कदम भी उठाते हैं। उस पर भी मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया जो उनकी रिपोर्ट में भी सामने आया कि कैसे सर्विसेज लेने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को 1.5 करोड़ रुपया दिया गया, और यही नहीं कैसे कम्युनिस्ट पार्टी के वहां से पैसे दिए गए आईटी सेल के व्यक्ति को, मैं नाम भी आपको पढ़ के सुना दिया था, नाम याद है आपको कि फिर पढ़ना पड़ेगा? याद है? आप चल सकते। तो जहां कम्युनिस्ट पार्टी के, ये देखो मैं आपको फिर दिखा देता हूं, एक और प्रवीर प्रकाशथा को तो जो डायरेक्टर है उनको तो पैसा दिया ही गया, इसके अलावा भी पैसे दिए गए कम्युनिस्ट पार्टी के बपादित्य सिन्हा को, गौतम नवलखा को, और ये वो लोग हैं जो माओइस्ट लिंक के लिए जाने गए, यूएपीए इसके ऊपर लगा हुआ है नवलखा के ऊपर। तो ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है, गंभीर आरोप भी हैं और उस पर पैसे की ट्रेल भी दिखती है। अब ये तो इन लोगों को बताना है कि पैसे लिए कि नहीं लिए। आप में से कितने लोगों ने इनसे पूछा है पिछले 2 साल के अंदर आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने पैसा कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों लिया? दूसरा सवाल यह है कि न्यूज क्लिक में पैसा किन किन पत्रकारों को और किन किन लोगों को गया जो देश विरोधी एजेंडा चलाने के लिए था, वो लोग सामने आकर जवाब देने चाहिए। एजेंसियां तो अपनी कार्रवाई करेंगे, उन लोगों को भी साफ सामने आना पड़ेगा, राहुल गांधी जी को जवाब देना ही पड़ेगा। आखिरकार ये चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ जो ये दोनों मिलकर भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी कहां खड़ी है? यह बहुत गंभीर आरोप आज भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही, आज एक बड़े पेपर में भी वहां पर भी लिखा गया, तो आज इनको इसका उत्तर देना ही चाहिए। नीरज पांडे, एबीपी। अभी जब राजीव जी अपनी बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात पर आपका प्रकाश डाला है कि समय समय पर देखा गया कि पाक द्वारा प्रायोजित या चाइना द्वारा प्रायोजित ऐसे विदेशी बहुत सारे चैनल्स या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म्स जिसके माध्यम से भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है, एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन चलाया जाता है, उसके खिलाफ नियमों के तहत समय समय पर कार्रवाई की भी जाती है, लेकिन ये लगातार प्रयास जारी है। अरे बाहर से कोई करे तो समझ आ सकता है, देश के अंदर बैठकर उनका टूल बनने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर सवाल खड़ा होता है कि उन विदेशी प्रोपेगेंडा के ये एजेंट क्यों बन जाते हैं। ये फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज चलाने वालों के लिए समर्थन में कांग्रेस पार्टी और घमंडिया गठबंधन के लोग क्यों खड़े हो जाते हैं?
और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ये भी बताएं, जिस एनजीओ के हिस्सेदार हैं, क्या उन्होंने भी न्यूज क्लिक जैसी संस्था को फंड किया है? देखिए, जो बाहर की बातें वो तो करेंगे जो हमें करना है सरकार के नाते, लेकिन जो नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान जिनके है राहुल गांधी जी, वो तो देश को बताएं कि आखिरकार ये गठजोड़ जो है, ये जो 2005-07 से पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में ले रहे हैं, अब तक कितना पैसा ले चुके हैं, कहां कहां खर्च किया, जो हाई लेवल इन्फॉर्मेशन देनी थी वो क्या दिया, जो विदेशी प्लेटफॉर्म पे जाके भारत विरोधी बातें करते हैं, चाइना की तारीफों के पुल बांधते हैं राहुल गांधी जी और भारत को नीचा दिखाते हैं, क्या वो यहां पर इस बात का जवाब देंगे कि ऐसे और कितने प्लेटफॉर्म हैं जहां पर चाइना फंड कर रहा है और कांग्रेस पार्टी को उसकी जानकारी है? अगर भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो जैसा न्यूज क्लिक के मामले में ये आकर खड़े हुए और फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर दुहाई दे रहे थे, क्या उस समय भी कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के समर्थन में ही खड़ा होगी? अदिति त्रिवेदी देखिए, अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो शायद मैं आपसे साझा ना भी कर पाऊं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ये जो भारत को तोड़ने का या भारत विरोधी एजेंडा कुछ लोग कई वर्षों से चला रहे हैं, अब ये न्यू टेक्नोलॉजी का उपयोग करके भी भारत की छवि को खराब करने के लिए, भारत के बारे में दुष्प्रचार करने के लिए, भारत में फेक न्यूज को बढ़ावा देने के लिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर ये अपनी दुकान चला रहे हैं, और इसके ऐसे बहुत सारे सबूत समय समय पर मिलते हैं और उचित कार्रवाई भी की जाती है। ये विदेशी हमले होंगे भविष्य में भी, लेकिन बात यह है, विदेशी हमलों के सामना करने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों के साथ खड़ी है या ये विदेशी हमले करने वाली एजेंसियों के साथ खड़ी है? सवाल ये है। और आज ये दिखता है कि दिस गमंडिया गठबंधन इज अ कोएलिशन विच बिलीव्स इन कोल्यूजन फॉर करप्शन विच विल लीड टू कोल्यूजन एंड कोलैप्स। इनका टकराव और पतन होना ही है इस गठबंधन का। एफसीआरए लाइसेंस पे हमने जो नियम बनाए थे कानून, उसके तहत बहुत सारे, अगर आप देखोगे, ऐसे जो फर्जीवाड़ा था उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इसको बड़ा स्ट्रीमलाइन किया गया है कि विदेशी पैसा कोई भी आएगा तो एक इस बैंक के खातों में आएगा, फिर वहां से जहां खर्च होगा जानकारी देनी पड़ेगी। नहीं तो वर्षों तक लोगों ने तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया था जहां विदेशी धन का दुरुपयोग देश में तरह तरह के एजेंडा चलाने के लिए किया जाता था, जो भारत की संस्कृति के खिलाफ भी, भारत की एकता एकजुटता के खिलाफ भी, और भारत के बढ़ते कदमों को रोकने के खिलाफ भी चलता था। उसको लिए भी ये प्रयास हमारी सरकार ने ही किए हैं। अंतिम प्रश्न है मोहित भट्ट, टाइम्स नाउ। अब अभी तुरंत फिर एक प्रेस है। लेट मी से टू थिंग्स हियर। वन, मिस्टर राहुल गांधी हैज साइंड द एग्रीमेंट विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना।
for a high level exchange and all that. I don't know what kind of exchanges they're going to do, but definitely yes, there was exchange of funds which came to the Rajiv Gandhi Foundation. They didn't come clean on that. That is one. And second, Mr. Rahul Gandhi, while time and again on the foreign soil, he was speaking, making anti-India remarks, showing to the world that China is doing extremely well, heaping praises for China, but at the same time, speaking against the democracy in India. Now, this new, which we knew from the 2021, when we took the action against NewsClick, but then also Congress Party came in favor of NewsClick. Now, the question arises is, now when a foreign newspaper came out that how the Chinese government and their money has been used by one of the media corporation to create the narrative about China across continents, and for that they have also funded this Neville Roy Singham, and you further funded the NewsClick for the fake news and the propaganda against India, and the money trail has been looked into by the enforcement agencies in 2021. The probe is on. But at that time, when the action was taken, it was the Congress Party and the Ghamandiya Gathbandhan, this UPA alliance, which came in support of this NewsClick and such platforms in the name of freedom of press. But this freedom of press is nothing. But these such platforms were doing the fake narrative against India, and this is not acceptable. VK News, Rashtra Ke Naam.